जिस राम का आज उल्लेख आप करते हैं, उस राम की महिमा ऐसी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वर्षों वर्ष संघर्ष किया, तपस्या की कि जहां जन्म लिया राम ने मंदिर वही बनाया। ये संघर्ष मात्र शब्दों का नहीं था, ये संघर्ष मात्र अधिकारों की कोर्ट में लड़ाई नहीं थी, ये संघर्ष मात्र टेलीविजन के डिबेट में वाद विवाद का संघर्ष नहीं, ये संघर्ष ऐसा कि बहुतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ये संघर्ष ऐसा कि सपा के राज में लाठी खाई, गोलियां खाई, मौत के घाट राम भक्त उतारे गए, तब भी ये समाज एकजुट होकर कहता रहा कि जहां जन्म हुआ राम का मंदिर वही बनाएंगे। उपहास के भागी बने हम, प्रसन्न न करो, आप नहीं जानते योगेश भैया आज साक्षी हैं कि हमारे ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं का सपा के और कांग्रेस के नेता मजाक उड़ाते हुए कहते कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये तो गुजरात के एक छोटे से गांव में गरीब माँ के घर में जन्म लेता है, तारीख बताने वाला जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके देश का प्रधान सेवक बनता है और कहता है कि भले ही हमारे पास बहुमत है लेकिन हम अपने संविधान के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, मंदिर तो वही बनाएंगे। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर सौहार्द की दृष्टि से समाज में कोई भी आपराधिक तत्व धर्म के आधार पर कोई फूट न डाले, समाज का विभाजन न करे, इस संकल्प के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पूर्णतः पालन किया और राम की लीला देखिए जहां जन्म हुआ राम का मंदिर। कोर्ट ने दस्तावेज पेश कर दिया कि प्रभु राम का कोई अस्तित्व ही नहीं, राम की लीला देखिए। एक तरफ विपक्ष, संविधान, सुप्रीम कोर्ट और धार्मिक इंसाफ के सामने घुटने टेकता है और दूसरी ओर वो कांग्रेस पार्टी जो प्रभु राम का अस्तित्व नकारती है, आज उनका वारिस कोर्ट पर जनेयू पहनकर मंदिर मंदिर घूम रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्थापित संगठन के माध्यम से बनाई हुई सरकार को दिया इस इतने बड़े भव्य और पुण्य काम को करने के लिए जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, आज उस आशीर्वाद के लिए इस मंच से आभार व्यक्त करने आई हूं। कुछ बदलाना हो तो पहले मंदिर से गुजरना पड़ता है।